अभिषेक, चाइना में पैनिक है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भारत का ये जो वॉर अलायंस है उसको वो अपने कैसे वॉर गेम्स के साथ काउंटर करें। निशान, तीन चीजें हुई हैं जिससे बहुत बुरी तरह परेशान है चीन। पहली बात तो ये कि जो 2+2 की जो बातचीत हुई उसमें चीन फिगर कर रहा है, मतलब यूज में समझ लीजिए जैसे किसी एक कमरे में किसी बड़े विशालकाय जानवर के बारे में बात हो, इस तरह से चीन वहां, चीन को बाकायदा नोटिस में लिया गया है, चीन की हरकतों को नोटिस में लिया गया। जो बीका समझने वाली बात है, जिस तरह से ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन होगा भारत और अमेरिका के बीच पर ऑपरेशनल लेवल पर सूचनाओं का, वो बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाला है चीन के ऊपर। तो कुल मिलाकर के अब जो पैक्ट लगातार पैक्ट हो रहे हैं भारत और रूस को, और भारत में आकर के अमेरिका के विदेश मंत्री का जो उन्होंने बातें कही हैं, उनके रक्षा मंत्री ने जो कही है, चीन को जिस तरह से हाथों हाथ लिया है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जिक्र किया है, ये सब चीज मैसेज देने के लिए काफी है, बड़ा मैसेज ही देता है। तो अब चीन के पास यही, और मुझे बार बार मैं ये बात कहता हूं कि ये जो चीन कर रहा है ये हमारे लिए नहीं कर रहा है, ये अपने अंदर के विद्रोह को, अपने अंदर के जो उसका डिसेंट है उसको सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा है, क्योंकि भारत के साथ तो उसके ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। वो लद्दाख में खत्म हो गए थे, लद्दाख में ही हमने देखा था कि वो समझ गया है कि उसके ऑप्शन उसी LAC तक सीमित है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।